हाँ जी बेटा, तो टुडे आई विल स्टार्ट विद, बेटा मेरे पास जो है स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो हमने उस दिन किया था, रीजन बीइंग कि लास्ट में हम कर रहे थे लेकिन बेल होगी थी, तो आई विल रिपीट दैट क्वेश्चन बिकॉज उसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लग रहा था जो थोड़े से क्वेश्चंस में लगता है और आपके लिए इजी हो जाती है कैलकुलेशन। ओके, ये मेरा टॉपिक है। तो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन था द एंगल ऑफ एलिवेशन, मेरे पास जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट जो है एच मीटर्स, मेरे पास एच मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ एच मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लेक इज थीटा, एंड मेरे पास जो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन मेरे पास जो है ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई जो है। प्रूफ दैट द हाइट ऑफ, मैंने ये प्रूफ करना है कि मेरे पास जो है हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, मैंने प्रूफ करना है, मैं उसको कैपिटल एच लिख देती हूँ, दैट आई नीड टू प्रूफ दैट इज एच इंटू टैन फाई माइनस मेरे पास, ओ सॉरी, प्लस टैन थीटा ओवर टेन फाइ माइनस टेन थीटा। ओके, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। हमने उस दिन भी किया था, लेट अस फर्स्टली मेक अ फिगर। उन्होंने मुझे कहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम एच मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक। मेरे पास ये लेक की सरफेस है, ओके, दिस इज लेक सरफेस, और यहां से एच मीटर अबव, ओके, मैंने क्या देखा, एक क्लाउड को देखा, ये मेरे पास क्लाउड है और मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन बताया हुआ था थीटा, मैंने बता दी, ओके, ये मेरे पास क्लाउड है इस पॉइंट पे, ठीक है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल से ज्वाइन कर देती हूँ क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज फाइव। अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है, मैंने आगे भी आप लोगों को ये बात बताई थी, जो रिफ्लेक्शन होती है ना, जितना वाटर सरफेस के ऊपर हाइट होती है उतना ही वो नीचे को, यानी जितना लेक के ऊपर है उतना ही ये नीचे होगा, और यहां से ये जो रिफ्लेक्शन है ये मेरे पास फाइव है। ओके, ये बात समझ आ गई। अब उन्होंने मुझे क्या कहा है यहाँ पर कि हाइट प्रूफ करो कि ये इतनी और कुछ नहीं। अब सबसे पहले बड़ी बात, अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, मैंने इसको एच कंसिडर कर, ठीक है, और तो मुझे कुछ नहीं दिया, बस मुझे इतना पता है जितना ये ऊपर है उतना नीचे है, तो मैं इस पूरी को बेटा एक्स ट्रीट करूं तो नीचे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये पूरी एक्स है ये पूरी एच है, तो अपर ये पूरी में से मैं एच माइनस कर दूं तो ये एक्स माइनस एच आ जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अब मैं लेबलिंग कर देती हूँ ट्रायंगल की, मेरे पास जो है ए बी, अब यहाँ विजिबल नहीं होगा तो बी सी डी ई और ये मैंने एफ लिया, ओके जी। तो अब मेरे पास जो है, सबसे पहले आप ये देखा करो एंगल कहाँ है और राइट एंगल कौन सी बन रही है। एंगल मेरे पास ये है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास ये है। मैंने निकालना क्या है, हाइट मेरे पास जो है प्रूफ करने को कहा है कि वो क्या बोला था लास्ट लाइन, प्रूफ दैट मेरे पास जो है हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, सिंपल सी बात है, आई नीड टू प्रूफ एक्स, मैं यहाँ एक्स लिख दे, जो लिख लिया है वही, ताकि हमें पता हो हमने ये निकाला। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल मेरे पास जो है ए सी बी, ठीक है,
ये पता है मेरे पास, ये चीज ए सी मुझे नहीं पता है, मैं इसको देख रही हूं कि ये बड़े ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, तो मेरा काम हो जाएगा इजिली, एक से निकालूंगी दूसरे में पुट कर दूंगी। मैं एसी का एसी रहने दो, डी लिखना है डी लिख लो, वाई लेना है वाई ले लो, जैसे मर्जी कर लो। मैं यहाँ वाई ले लेती हूँ, मेरे लिए कैलकुलेशंस करनी इजी हो जाएंगी। तो मैंने लिया, मेरे पास जो है एक्स माइनस एच परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज टेन थीटा, हो गया पहली ट्रायंगल में। ओके मार्क दिस फर्स्ट, ठीक है जी। देन कम टू द सेकेंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी एफ। ओके अब ये उल्टी ट्रायंगल बनी हुई है मेरे पास, इसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर में कितनी हाइट आ रही है, एक्स प्लस एच है ना, तो मैं क्या लूंगी यहां पर, अगेन मेरे पास परपेंडिकुलर पी जो है एक्स प्लस एच ओवर बेस, बेस कितना लिया मैंने वाई, एंड दैट इज इक्वल टू टेन फाइव। ओके मार्क दिस सेकंड। अब मैंने उस दिन भी बताया था यहां पहले एंगल में क्या है मेरे पास, टेन फाइव पहले है ना, तो इसको ऊपर ले लो, यानी डिवाइड इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन। अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे नेगेटिव का फर्क आएगा, क्वेश्चन तब भी निकल आना, कोई फर्क नहीं है तब भी निकल आना है, बट बेटर क्या हम पहले ही आंसर को देख के चले। जब मैंने डिवाइड किया, डिवाइड मेरे पास हो गए, डिवाइड इक्वेशन टू बाय वन। ओके तो जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा यहां पर, टेन फाइव ओवर टेन थीटा। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी, वाई वाई तो कट ही जाएगा ना बेटा, मेरे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस एच ओवर एक्स माइनस एच। चेक कर लेना कि हमने सही लिखा। अब मैंने आपको तब भी बोला था आंसर में देखा करो, जब भी सेम सेम टर्म्स हो और प्लस माइनस का फर्क हो, सेम सेम टर्म्स है प्लस माइनस का फर्क है, आपने एक्स निकालना है तो हमेशा कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई करो। मैंने क्या बताया था कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्या होता है, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स इक्वल है, मतलब रेशियोज भी कह सकते हो, ए ओवर बी दैट इज ट्रीटेड एज ए रेशियो बी ना, ऐसे रेशियो इक्वल है तो मैंने कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाना है, तो मैं क्या करूंगी ए प्लस बी ओवर ए माइनस, मतलब ऊपर वाली टर्म ऊपर भी नीचे भी, ऊपर वाली टर्म ऊपर भी नीचे भी, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का रूल है, फॉर्मूला है, जो मर्जी समझ लो। बात समझ आई सबको, ऊपर वाली टर्म ऊपर भी, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस, आप उल्टा भी कर सकते हैं ऊपर माइनस नीचे प्लस, लेकिन जो करना है दोनों साइड पे सेम करना। हाँ बेटा, बेटा ये मैंने एक फॉर्मूला बताया, सिर्फ मैं इसको अप्लाई इस पे करने लगी हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा सी हो गया, ये नीचे डी हो गया, इसी फॉर्मूले पर बेस है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ये रब करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो सारा। यस दक्ष, यस दक्ष, हमें एक बार वो लास्ट वाला बता दो क्या था फॉर्मूला, एक बार बता दो। मैं बताने लगू। हाँ जी, लेट अस सी बेटा, मैं ये सारा रब करने लगी हूँ, हमें ये नहीं ना चाहिए, आई एम रबिंग इट, मैं सेंटर में लिखने लगी हूँ ताकि आपको पता चले। हाँ जी, मेरे पास tan phi ओवर tan theta इज इक्वल टू a प्लस एच को, सॉरी x प्लस एच और x माइनस एच। अगर ऐसा है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, ऐसे दो तरफ रेशियोज हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंडो, वो एक रूल है, एक लॉ है, एक फॉर्मूला है, कुछ भी कह सकते हैं, सिर्फ ये मेरी कैलकुलेशंस को इजी करता है। और मेरे को कैसे पता चलता है ये लगाना है, मैं आंसर में देख रही हूं, अगर सेम सेम टर्म्स ऊपर नीचे हो और बीच में प्लस माइनस हो, तो मेरे को लगता है मैं कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगा,
कैसे लगता कैसे है? अगर मेरे पास दो रेशियोज इक्वल हैं, ऊपर वाली टर्म ऊपर भी नीचे भी, ओके दोनों तरफ। अब नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस, तब भी आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको अभी प्रूफ कर देती हूँ, लेट अस सी। क्या आपको लगता है ना मैम ये कैसे इक्वल हो गया? तो मैं यहां पर आपको प्रूफ करके बताती हूँ कोई एग्जांपल लेके। देखिए मुझे पता है 2/6 इज इक्वल टू मेरे पास जो है लेट अस टेक 4/12 इक्वल होता है 2/6 1/3, 4/12 भी 1/3, दोनों इक्वल है। जरा कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा लो। जब आप कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाते हैं 2/2 प्लस 6 माइनस 6, 4/4 प्लस 12 माइनस 12, आंसर कितना आया इधर 8/-4, इधर कितना आया 16/-4, कितना बचा यहाँ 8। देखो 1/-1/2 -1/2 आ रहा है ना? अब पता चला कि कोई फर्क आंसर को नहीं पड़ता। कोई भी दो रेशियोज जो ऑलरेडी इक्वल है अगर आप कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाते हो तो उसका आंसर फिर भी इक्वल ही आता है। देख दक्ष पता चल गया बेटा, चलूं आ गई दक्ष, ओके चलिए। तो अब मैं ये अप्लाई करने लगी और मैंने आपको ये भी पता दिया कि कैसे पता चलता है कि ये सेम आता है। तो लेट अस सी, न्यूमिनेटर ऊपर भी न्यूमिनेटर नीचे भी, ठीक है, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस नीचे माइनस, ओके जी आ जाओ इधर, न्यूमिनेटर ऊपर भी और न्यूमिनेटर नीचे, ओके और डिनोमिनेटर मेरे पास हो गए ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्लियर। अब एच एच कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, मेरे पास हो क्या बचा इधर 2x/2h, 2 कैंसिल, मैंने तो x की वैल्यू निकालनी है, h को उधर ले जा, जब इसके साथ उधर ले जाएंगे तो बेटा यही आंसर बनेगा, x इज इक्वल टू दिस, यही प्रूफ करना था। पता चला सबको, कोई डाउट तो नहीं यहां पर बेटा? चले आगे, क्लियर। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस, ठीक है। मेरे पास पहले स्पीड वाले क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो रह ना जाए, ओके। द वन क्वेश्चन, ये बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है स्पीड वाला क्वेश्चन, हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। फर्स्टली राइट डाउन द स्टेटमेंट, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ, अब मैं फिगर बनाऊंगी, मुझे लगता है स्टेटमेंट इतनी लिखे तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आई विल स्पीक द स्टेटमेंट एंड आई विल मेक द फिगर, ओके चलिए। तो मेरे पास है बेटा क्वेश्चन में, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 meter जो है हाई ट्री, एक ट्री है यहाँ पर, एक बर्ड है 80 meter हाई पे, ओके जी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज, मेरे पास जो है 45 degree। अब उन्होंने कहा कि ग्राउंड पे एक पॉइंट पे मैंने नीचे से इस बर्ड का ऊपर देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 degree। जैसे जैसे वो कहता है मैं फिगर बनाती हूँ, पूरी स्टेटमेंट बनके बनाओगे ना कभी नहीं बनेगी। एक लाइन पढ़ो फिगर बनाओ, सेकंड लाइन पढ़ो फिगर बनाओ। नाउ व्हाट दे हैव रिटन इन द नेक्स्ट लाइन, द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच ए वे दैट इट रिमेन्ड एट ए कॉन्स्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is जो है 30 degree। अब यहाँ बच्चों को confusion हो जाती है, उसने कहा 2 seconds के बाद बर्ड सेम हाइट में ही उड़ रही है,
लेकिन उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो 30 डिग्री हो जाता है। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि मैम हम जो है आगे, क्योंकि मूव लेना यहीं पे कि मैम हम इधर को बर्ड को लेके जाएं कि हम बर्ड को इधर लेके आए, कि मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या रहे, सेम 30 डिग्री रहे। अब आप मुझे बताइए कि मैं किस तरफ रखूं, है ना। अगर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, अगर मैं ना इस तरफ लेती हूँ और सेम हाइट पे रखूं, ये तो एंगल बढ़ गया, बड़ा कि नहीं बढ़ा, मुझे एंगल कितना दिया 30, तो क्या मैं ले सकती हूँ, नहीं ले सकती। मुझे ये पता चल गया कि आई एम डूइंग सम मिस्टेक, तो मैं एंगल इधर नहीं बनाऊंगी, मैं इसको इधर से इधर लेके जाऊंगी, 2 सेकंड्स के बाद मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना। मैंने ऐसे सोचा 30 डिग्री ऊपर तो कुछ भी नहीं, 2 सेकंड्स, ठीक है, हाइट सेम ही है, ओके, सेम हाइट पे वो मूव कर, ओके। नाउ व्हाट दे हैव रिटन, फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, मुझे स्पीड बतानी है, आई हैव टू टेल द स्पीड, जो है उन्होंने कहा टेकिंग रूट 3 एज, मेरे पास 1.732, अब बहुत मेरे पास तो ये इजी है, क्या मुझे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पता स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, मुझे टाइम कितने का दिया है, यहां से यहां का दिया, यानी अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, टाइम मुझे पता 2 सेकंड्स है, है ना, और सब कुछ मुझे मीटर्स में दिया, तो मीटर पर सेकंड में मेरी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, निकालना डिस्टेंस ही है, लेकिन उसके बाद एक स्टेप और एड हो जाता है स्पीड का, बस मुझे इतना पता चल गया, मैं लेबल कर दू ए बी सी डी और ये ई, ओके अब मैं क्या करूंगी, यहां पर सबसे पहले जो है मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ, उसमें से मैं बी सी कैलकुलेट कर, ओके जी, मैंने ट्रायंगल ली, जो है इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लेंगे बेटा, ए बी ओवर बी सी किसके इक्वल, 10 45 के, वेरी गुड रियान, तो मेरे पास जो है 80 ओवर बी सी दैट इज 10 45, और 80 एज इट इज बी सी मुझे कैलकुलेट करना है 10 45 वन, तो मेरे पास बी सी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 80 मीटर, ओके क्लियर। अब मैं आगे क्या करूंगी, यहां पर व्हाट आई विल डू हियर, मेरे पास तो है नेक्स्ट बड़ी ट्रायंगल डी ई सी, अब इसमें ये मुझे पता है 80 ही है, अब मुझे बड़ी सी ई, अब सी ई तो मेरे पास है नहीं, इसको ब्रेक कर दूंगी बी सी प्लस बी ई, तो मैंने यहाँ ए जो है 80 ओवर, अब बी सी प्लस बी ई, मैं बी ई को वाई ले लेती हूँ, थोड़ा वाई वगैरह लिखना इजी हो जाता है, दैट इज टैन 30 डिग्री, हाँ बिल्कुल बड़ा ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू मैं 80 पुट कर दू, लिख दू, मैंने ऊपर कैलकुलेट की है, और टैन 30 की वैल्यू 1/√3, तो 80/80 प्लस वाई दैट इज 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 प्लस वाई इज √380, ओके, तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास जो है √3, 80 - 80 दैट इज मेरे पास √3, 80 कॉमन ले ले, √3 - 1, ओके जी। अभी ये मेरे पास क्या आ गया, वाई की वैल्यू आ गई, मुझे यही निकालना था ना स्पीड के लिए, यही चाहिए था ना, क्योंकि अब आप लिखोगे कि मेरे पास जो है स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है जी। अब डिस्टेंस मेरे पास मैंने निकाला है दैट इज 80 √3 - 1 और टाइम 2 सेकंड्स, अब ये कर लीजिए 40, अब उन्होंने रूट थ्री की वैल्यू दी है ना, तो ऐसे नहीं छोड़ना, पुट द वैल्यू ऑफ √3 1.732, कौन सा बेटा, ये कुछ नीचे नहीं है, ये मैंने स्टेप सॉल्व किया बेटा,
इसी को 80 कॉमन ले लिया ना, रूट थ्री माइनस वन आया ना, ठीक है रहा है ना, क्लियर, सबको बात समझ आई बेटा, ओके। जो वैल्यू दी है उसको यूज जरूर करना है, और आंसर किसमें आएगा, मीटर पर सेकेंड, एक्चुअल कैलकुलेट करके मीटर पर सेकेंड का, मेरे पास बेटा किलोमीटर पर आर में दिया हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा थोड़ा कि गिव द आंसर इन किलोमीटर पर आर, तो हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे, उन्होंने दे चेंज इट इन किलोमीटर पर आर, मुझे लगता नहीं ऐसी कोई नीड होती है, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी उन्होंने मेंशन, अगर वो मेंशन करते तो आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करते, कैसे करते पता है बेटा, रूट थ्री में नहीं ना छोड़ना, क्योंकि वैसे किलोमीटर पर आर वाला 105.408 किलोमीटर पर आर। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि अगर बाय चांस वो लिख ही देते कि गिव द आंसर इन, गिव द स्पीड इन किलोमीटर पर आर, तो क्या करेंगे तब हम, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600, जितना भी आंसर आया बेटा डजंट मैटर, ठीक है बेटा, आपको रूट थ्री की वैल्यू दी है ना, तो आप ऐसा नहीं छोड़ सकते, मैं यही तो बता रही हूँ बार बार, सिंस द वैल्यू ऑफ रूट थ्री इज मेंशन, तो आप ऐसे आंसर छोड़ोगे तो हम आधा नंबर काटते ही काटते, ओके क्लियर। चलिए लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा और देखते हैं कोई स्पीड वाला अगर क्वेश्चन है तो हम लोग वो करते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि कैसे क्वेश्चंस करने। हाँ जी बिल्कुल, ओके वो भी करा देती हूँ। एक और बात बताऊं आपको, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें थ्री एंगल्स होंगे दैट आर नॉट इन आवर सिलेबस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप जितने करते हो ना वहां पर, मतलब थ्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस होंगे, नो नीड टू डू दैट, ठीक है। पहले आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी वाला मैम जो क्वेश्चन है वो करवा दीजिए, लेट अस डू दैट, गिव मी द बुक बेटा, चलो स्पीड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, लाओ बेटा जल्दी दीजिए, लेट अस डू जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम योर बुक, ओके आई एम डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 15, That is different from all other questions, मैंने पहले भी बताया था, तो I am doing that question number 15. Let us read the statement. A straight highway leads to the foot of the tower. मेरे पास जो है एक straight highway है जो कि एक tower के foot पे जाके meet करते हैं, ठीक है। Straight highway मतलब road और ये tower है। उन्होंने कहा a man standing at the टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 degree विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। वो कहता है एक पर्सन ना यहाँ बैठा है और वो एक कार को ना ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऊपर है कार नीचे है, ऑब्वियस है एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है, दैट इज 30 degree एंड ही दिस कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से चल रही है और कहाँ आ रही है टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है। तो उसने कहा कि 6 seconds later, उसने कहा 6 seconds later मतलब ये 6 seconds later मेरे पास जो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60। वैसे भी आपको पता है एंगल बढ़ रहा है, कार आपको ही अप्रोच करेगी है ना, बिल्कुल, तो वो वर्टिकल टावर के पास ही जाएगा, दैट इज 60 degree। अब उन्होंने कहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। वो कहता है इस पॉइंट से कितना टाइम उसको लगता है मुझे ये कैलकुलेट कर, ओके आई नीड टू कैलकुलेट। अब कुछ भी नहीं बेटा, मैंने आगे भी कहा था हम फिगर में डिस्टेंस की बात करते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो वो स्पीड इंटू टाइम, Am I right? अब मुझे पता वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो मैं स्पीड को लेट कर लेती हूँ, लेट द स्पीड बी एक्स मेरे पास जो है, क्योंकि कोई वो बात नहीं की तो हम मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, आपकी मर्जी है किलोमीटर पर आर ले लो, डजंट मैटर,
ओके जी, क्योंकि मेरे पास टाइम सेकंड्स की बात की है तो इसीलिए मैंने स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ली। ओके, तो 100% अगर स्पीड मेरी एक्स है, ठीक है, और टाइम मुझे दिया हुआ है 6 सेकंड, तो इतना डिस्टेंस, सिर्फ इतना मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, वो डिस्टेंस क्या होगा, एक्स इंटू सिक्स। क्लियर? अगर यहां टाइम मैं मान के चलती हूँ टी सेकंड्स लगता है, कितने में, यहां से यहां जाने में टी सेकंड्स मैं लेट कर रही हूँ, तो ऑब्वियस स्पीड तो सेम ही रहनी है ना, डिमेंशन हियर कि क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो ऑब्वियस है मेरा यहां पर क्या लगेगा, एक्स इंटू टी, डिस्टेंस निकला है सारी फिगर में, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं क्या करूं, इसको एच ले लू, ठीक है, मैंने तो टाइम ही निकालना है टी, बाकी सब कुछ मैंने खत्म कर। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, देखो मैंने कोई याद नहीं किया हुआ क्वेश्चन को, सिर्फ मैंने ये याद रखा यूनिफॉर्म स्पीड वाला क्वेश्चन है ना, तो मेरे को हर फिगर में डिस्टेंस लेके जाना है किसी ना किसी का, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, वो मैंने देखना है डिस्टेंस बाद में निकालना है कि पहले निकाल, कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम पहले यूज करना है कि बाद में, पिछले क्वेश्चन में मैंने बाद में यूज किया था, यहां पर मैं पहले ही यूज कर रही हूँ। ओके बेटा, क्लियर, बात समझ आई? अब बेटा देखिए मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले जो है एच छोटी ट्रायंगल में लिया, एच ओवर डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, जब मैंने लिया तो एच ओवर एक्स टी दैट इज इक्वल टू टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी रूट थ्री, तो एच की वैल्यू रूट थ्री एक्स टी, मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब कई बार हम ये सेकंड फिगर बाद में ले लेते हैं, पहली बड़ी फिगर पहले ले लेते हैं, तो मार्क कर लो ना, पुट्टी करना है ना बेटा। अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री और एक एंगल 30 इसी में दिया। अब मैंने क्या किया, एच ओवर, अब ये पूरा लेना है ना बेटा, तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस एक्स टी दैट इज टेन 30 डिग्री, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो एच इज इक्वल टू रूट, सॉरी मेरे पास हो गए 1/√3 और ये ऊपर चले जाएगा, तो मेरे पास 6x प्लस एक्स टी आ गई, मार्क दिस इक्वेशन टू। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 हाइट तो चाहिए नहीं ना, इक्वेट कर सकते हैं ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 √3xt इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी बाय √3, इसको उधर ले जाओ, तो ये 3xt दैट इज 6x प्लस एक्स टी। ओके, x कॉमन ले लो, मेरे पास जो है 6 प्लस टी, तो 3xt कैंसिल, तो मेरे पास जो है 2t इज इक्वल टू 6 और t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकंड। अच्छा, अगर वो लिखता कि टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच, तो फिर आपने 9 आंसर देना, मैंने जब करवाया था मैंने तब भी बताया था आप लोग। ओके, मेरी बात समझ आई सबको, दिव्यांश क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है तो मुझे डिस्टेंस ही चाहिए, है ना, नो डाउट टाइम निकालना है, तो मैंने टाइम को कन्वर्ट कर दिया डिस्टेंस में, कैसे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड की बात थी, तो आई लेट दैट स्पीड एज एक्स, वाई ले लो, एस ले लो, कुछ भी ले लो, बट कन्वर्ट मैंने जो इंफॉर्मेशन देनी है वो मेरी इंफॉर्मेशन किसमें कन्वर्ट कर देनी है, डिस्टेंस में। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्पीड निकालना था, टाइम दिया था, तो मैंने डिस्टेंस निकाल के बाद में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पे डिपेंड है, स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पहले यूज होना है कि बाद में, समझ आई यहां? हाँ जी, क्या कह रहे बेटा, ये टी माइनस भी तो होगा ना, 3t-t 2t और इधर 6 बचा। ओके, सबको बात क्लियर होगी? ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने काफी हद तक क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ इस चैप्टर के डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। हाँ जी, नहीं, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने हो ना,
इट इज नॉट नेसेसरी कि हम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाएं, हमें अगर कुछ नहीं बनता आप जितना बना सकते हो बनाओ, और जो प्रूफ करना है जैसे टैन में प्रूफ करना था है ना, आप उसको साइन कॉस में चेंज करके तो जितना उसको सॉल्व कर सकते हो कर लो, फिर कह दो कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूफ किया और जो प्रूफ करना था वो तारीख पर। वैसे बेटा नॉर्मली हो जाता है, कोई इतनी बिग इश्यू नहीं है कि नहीं होता, मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्योंकि अगर कंपोनेंट एंड डिविडेंडो प्लस वन में भी करना है ना, तो फिर क्यों नहीं सीखना। हर नई चीज को पहली बार करते हैं एक्सेप्ट करने में टाइम ही लगता है ना, जब दूसरी बार करोगे तो आपको लगेगा कि दैट विल बी द इजी वन। समझ आई बेटा, कोई और डाउट तो नहीं किसी को भी? पक्का। अब आप आज मैं एक असाइनमेंट भेजूंगी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, यू डू दैट क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपके पास एक हो कि हमने पढ़ना क्या। एक बार बस फिगर बना के देख लो, मत करो अगर आपके पास सारा टाइम नहीं है सारा कुछ करने के लिए, जस्ट मेक द फिगर्स, ठीक है। जिस क्वेश्चन में डाउट है आस्क मी कि मैम ये ठीक है हमने ठीक किया, वो कर लो, दो दिन ले लीजिए, डू इट। ओके बेटा, क्लियर? और किसी ऑनलाइन स्टूडेंट को डाउट बेटा, एनी डाउट टू एनीवन, एंड टुमारो प्लीज मैनेज योर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगले पीरियड में हम स्टार्ट कर देंगे, आई विल स्टार्ट इट। एक मैंने आइडिया ही बताना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कल करा दूंगी, आज बुक वाले कंस्ट्रक्शन एक बार रिवाइज कर लेते। हाँ बिल्कुल करने, वी हैव टू डू। मैं आपको बताऊंगी कि 2-2 मार्क्स में कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चन है वो कैसे आ सकते, ठीक है, बुक वाले करो। मैं ये नहीं कहती कि 100% आएंगे, मुझे पता है बहुत रेयर चांस है, बट आगे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन में से एक्स्ट्रा आते थे कि कौन से पॉइंट से ज्वाइन करें, ये कितने रेशियो में, अगर मैंने ऊपर को डिवाइड किया है तो कितने रेशियो में वो बनता है, तो फिर मैं रिस्क नहीं लूंगी ना बेटा, मुझे आपको बताना ही बताना। ओके क्लियर? अदरवाइज तो हमें पता है कि टेंजेंट वाला एक वो 60 डिग्री वाला एंगल जहां पर वो मीट करता है वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कंस्ट्रक्शन के लास्ट 2 क्वेश्चंस आर नॉट टू इंपॉर्टेंट, बट मैं रिस्क फैक्टर नहीं लेंगे, हम सारे रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर? चलो वी विल मीट टुमारो, सॉरी इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।